यहाँ पर इस सीढ़ी नुमा जो पूरा एंट्रेंस है, यहाँ से अगर पानी अंदर की तरफ आता है तो पानी कैसे भर जाएगा इस पूरे बेसमेंट में, और इसके अलावा कोई निकलने का रास्ता नहीं। यहाँ पर इस अंधेरे नुमा बेसमेंट में कैसे बच्चे जो हैं वो यहाँ, अगर 100 से ज्यादा बच्चे, अगर आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर सकरे नुमा गली नुमा बेसमेंट में अगर एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और कोई भी अनहोनी हो गई, फिर चाहे वो भगदड़ हो गई, आग की स्थिति बने या फिर पानी जैसे कि भर गया उस तरह की स्थिति बने, तो बच्चे यहाँ से बिल्कुल निकल पाने में कामयाब नहीं होंगे। मैंने खुद देखा है कि ऐसे हर दूसरे घर में, हर दूसरी बिल्डिंग में इस तरह के बेसमेंट बने हुए हैं जिसमें कि लाइब्रेरी के नाम पर, नीचे तैयारियों के नाम पर, क्लासेस के नाम पर यहाँ बच्चों को रोजाना बिठाया जाता है। और ऐसे न जाने कितने ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें सुरक्षा का कोई जो मानक है उसको फॉलो नहीं किया गया है, छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। बैग रखते तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं, वो सब सोफ़ा या टेस में ही डालना पड़ता बेड में। बाकी बुक्स रखने के लिए भी दोनों को इतनी ही जगह है। इलेक्ट्रिसिटी अलग है और हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे, मतलब क्या, वो सिर्फ बोल देते हैं कितना देना है। हम पूछते हैं कि हमको PDF डालो, कुछ डालो, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ, ये उनका क्लियरस्ट आंसर। वैसे तो जैसे ये हादसा हुआ है उसके बाद तमाम जो बेसमेंट में लाइब्रेरी है और जितने भी PGs हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, मतलब छात्राओं को भी अंदर से लॉक कर दिया गया है। लेकिन हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जमीन पर जो सच्चाई आप तक पहुंचे, तो देखिए हम एक PG में आ गए हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लड़कियों से बात कर सकें। तो ये देखिए, अगर ये आप देखें तो मुझे लगता है ये देखिए, मतलब इतनी पतली है कॉरिडोर जिसको आप कहें, ये इतना पतला है कि मैं भी अकेले यहाँ पे पूरा अपना हाथ भी नहीं रख सकती। और यहाँ पर देखिए एक ये कमरा है, इसके बाद आप अंदर आएंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप को विजय जसप्रीत दिखा पाएं, एक कमरा ये है और एक इसी से सटा हुआ एक कमरा ये भी है। कोशिश करेंगे कि अगर लड़कियां अंदर हों तो हम किसी से बात कर पाएं। यहाँ पर कोई लड़की नहीं है लेकिन एक कमरा जरूर है। चलिए मैं आपको कोशिश करूंगी इस कमरे के अंदर दिखाऊं। जसप्रीत अगर आप आएं तो ये देखिए, ये कमरा है। इस कमरे में देखिए कि कितना छोटा कमरा है, मतलब मुझे लगता है ये 6x6 से ज्यादा का कमरा नहीं है। और जो बेड है वो मुश्किल से 2 फीट का बेड है, और ये दोनों बेड के बीच के अगर आप डिफरेंस देखें वो भी बहुत कम है, 1 फीट से कम का डिफरेंस है। और बहुत बेसिक बोलते हैं एमेनिटीज वो यहां पर है। ये 2 वार्डरोब्स हैं, ये एक छोटा सा मुझे लगता है वॉशरूम है जिसको शायद ये लड़कियां शेयर करती हैं, और ये बहुत छोटा सा कमरा है। और इसके अगर आप चार्जेस सुनेंगे तो ऐसे ऐसे कमरों के चार्जेस दो लड़कियां मिलकर करीब 25,000 रुपए देती हैं। आप सोचिए 6x7 का कमरा हो जिसमें इतना कंजस्टेड होकर बैठ के पढ़ा तक नहीं जा सकता, एक टेबल कुर्सी भी नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए, IAS की तैयारी ये लड़कियां करती हैं और उनको यहाँ 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं। अगर और कमरों की हम कोशिश करें तो शायद कुछ कमरे लॉक भी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब यह हादसा हुआ है उसके बाद लोग यहाँ से चले भी जा चुके हैं और कुछ लोगों के एंट्रेंस पर मैं कोशिश करूंगी। कैन वी टॉक फॉर अ वाइल? तो आइए, यहाँ पर एक PG के कमरे में मैं आती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर UPSC का सपना आंखों में लेकर के आई हैं। और देखिए आप अगर इस कमरे को देखें तो ये भी बहुत छोटा सा कमरा है, और बच्चों के लिए मुझे लगता है टेबल कुर्सी भी नहीं आपके पढ़ने के लिए। बैग रखते तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं, वो सब सोफ़ा या टेस में ही डालना पड़ता बेड में। बाकी बुक्स रखने के लिए भी दोनों को इतनी ही जगह है। और कितना पे करते हैं आप दोनों मिलकर? ये तो सिर्फ बेड का मैं 8,000, मतलब 7,700, ये 7,700। इलेक्ट्रिसिटी का तो उनकी क्लैरिटी, तो ओके, ओवरऑल आप दोनों इस रूम का कितना पे करते हैं? 15,000। आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी अलग है और हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे, मतलब क्या, वो सिर्फ बोल देते हैं कितना देना है। हम पूछते हैं कि हमको PDF डालो, कुछ डालो, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ, ये उनका क्लियरस्ट आंसर। तो आप कैसे पढ़ पाते हो, इतनी टफ कॉम्पिटिशन है? ऑप्शन था लेकिन अभी लाइब्रेरी भी बंद हो गई है तो कुछ नहीं, बस यही हमको लाके रखना पड़ रहा है कि जब भी हमको पढ़ाई करनी रही तो। ये छोटा आप टेम्पररी पोर्टेबल टेबल रखते हो? यही के रूम पे अगर पढ़ाई तो ऐसे ही कर पाते, नहीं तो कर ही नहीं पाते रूम पे पढ़ाई। तो ये जस्ट हम 24/7 मतलब पढ़ाई दिमाग में रहती, इसीलिए
सिर्फ कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। आई थॉट कि एक साल प्रिपरेशन लाइब्रेरी और यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वर्स्ट है। मतलब ना ओनर सुनते हैं, ना लाइब्रेरियन वाले सुनते हैं, ना कोचिंग वाले सुनते हैं, और फूड का तो तुम सोचना भी बंद। मतलब वहाँ हम नाश्ता 70-70 रुपए का करना पड़ता है हमको। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी बनारस। बनारस से हैं तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का टाइमिंग अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, तो इतने छोटे से कमरे में कैसे? हमारी यही होता है कि हम मॉर्निंग में लाइब्रेरी निकलते हैं, फिर शाम को लाइब्रेरी से वापस आते हैं, तो हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब, हम रूम पे नहीं पढ़ पाते, तो रूम पे हमें पढ़ना ही नहीं है। रूम पे मतलब अपने सिर्फ सोने के लिए रखने के लिए। रात में हम अगर 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाना। हमें सिर्फ सोने के लिए हम 15,000 देते हैं इतने छोटे से रूम का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारा 2,000 पर मंथ आता है। कोई उसका कोई गारंटी कब आएगा, कितना आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब हमको ज्यादा आ रहा है, एग्जॉर्बिटेंट लग रहा है, तो वो सिर्फ नंबर्स डाल देंगे कि इतने 40 यूनिट गीजर के। और जैसे आप लोगों ने जब रूम लिया, ब्रोकरेज भी दिया होगा, ब्रोकर के थ्रू लिया होगा? के थ्रू हम लोग आए हैं, जिसमें हमारा मतलब जितना वो ब्रोकरेज मांगेंगे, फिर जो चीजें होती है वो उनके हिसाब से सिक्योर। हमारी चीजें कोई वो हमें कोई श्योरिटी नहीं कि वो कितना करेंगे क्या करेंगे। मुझे लगता है पढ़ाई से ज्यादा आप लोगों को जो बेसिक जरूरतें हैं, एमेनिटीज हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है। खाना से लेके हमारा क्या 100 का, बाहर भी अगर नाश्ते के लिए भी हम जाए तो 70 रुपीज पे करना पड़ेगा। हमें पानी के लिए भी रात में कितना क्या चीजें, वो सब चीजें करनी पड़ती। किसी इवन भी हमें देखिए ऐसी छोटी नहीं है कि हम इतने पे कर रहे हैं उसके बाद भी हमें, और उसके बाद साफ सफाई का कुछ ये लोग। हाँ, क्लीनिंग का इशू नहीं है, क्लीनिंग का थोड़ा सा है। जैसे वॉशरूम तो आप लोगों का मुझे लगता है अलग से है, सिर्फ अलग से और भी लड़कियां यूज करती हैं। हाँ, वो कॉमन वॉशरूम है, मतलब किसी किसी का सिंगल है, जो जैसा पेमेंट करेगा, जो 25 करेगा तो उसका अच्छा है। कितने पैसों से लेके कितने पैसों तक के कमरे हैं आप? यहाँ पे 15,000 से लेके 25,000 तक है। और ब्रोकरेज जब आप देते हैं तो उतना पैसा एडवांस में देते हैं? वो एडवांस वो तो। तो आप लोग जैसे लाइब्रेरी जाती हैं, आपने कहा कि आप तो अब तो लाइब्रेरीज क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर बेसमेंट में थे वो बंद हो गए हैं, तो अब इसके बाद कैसे पढ़ाई होगी? तो अभी तो सोच रहे हैं कि टाउन जाके, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम है, वहाँ फोकस करना है, तो वहाँ पुणे, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो पुणे जाने का सोच रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इनकी क्लैरिटी कुछ नहीं है, इन अभी हमको लाइब्रेरी से बोला कि आप अपनी किताबें लेके चले जाओ, अब ये ऐसी ही पढ़ी है। तो अच्छा, तो ये सब जो बैग आप भर के लाए हैं वो लाइब्रेरी से अपनी किताबें लेके आए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप अपनी किताबें लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। बेसमेंट में था वो लाइब्रेरी भी, पानी वानी भरते था वहाँ पे? हाँ, दिक्कतें आती थी। आप डरो मत, क्योंकि देखो आपने क्या लिखा यहाँ पर, जस्ट अभी तक अगर दिखा पाए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, राइट? तो मुझे लगता है जब आप इतने बड़े पोजीशन पे जाने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये सोच, अपनी आवाज जो आपको तकलीफ है वो तो बाहर रखनी पड़ेगी, राइट? वो चीजें तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे हर एक बच्चा इतना अगर प्रेशर, हम अपनी पढ़ाई, यूपीएससी जर्नी इतनी बड़ी है, उसका प्रेशर जो ले रहे हैं वो अलग से, उसका प्रेशर हम अलग से ले रहे हैं, इसका प्रेशर, फैमिली का प्रेशर है कि आपके पास टाइम कम है, हम हर चीजों का प्रेशर लेके चल रहे हैं। ऐसा तो पढ़ाई कैसे, तो पढ़ाई कैसे होगी? तो मैं इस चीज को ये कहती हूँ कि यहाँ के ओनर से ये कहा जाए कि कम रेंट दिया जाए, क्योंकि जितना रेंट ले रहे हैं उतना रेंट तो ऐसे 20,000-25,000 ये तो रेंट हमसे मिले। तो आपके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से इकट्ठा करते हैं, और हम बाहर से आते हैं, हम यहाँ के हैं, हमको यहाँ कुछ एक्सपीरियंस है, कहीं जाएंगे हमारी ग्रीवांसेस डालने, हमको कुछ नहीं पता, यहाँ जो बोलते हैं हमको करना पड़ता है। और हम डरते हैं आप, क्योंकि आप अकेले हैं अपने पेरेंट्स, हमको कुछ, हमको बोलेंगे अगर अभी चीजें होंगी तो हमें कह देंगे तुम रूम खाली करो, डायरेक्ट यही हमारे पास आंसर वो आएगा, तो वही चीजें। तो देखा आपने, बच्चों को बहुत तरह की दिक्कतें हैं, और लड़कियों के पीजी में तो आप हाल देखें तो मतलब यहाँ चलना तक मुश्किल है, पता नहीं ये बच्चे पढ़ते कैसे हैं। अगर जसप्रीत आपको दिखा पाए ये कमरे की हालत, तो जरा देखिए, बहुत ही छोटा सा, आप जसप्रीत थोड़ा सा दिखा दें कि बहुत छोटा सा कमरा है, उसी में बेड है, उसी में बैग है, उसी में एक पोर्टेबल टेबल है, और उसी में इन बच्चों ने अपनी किताबें भी रख रखी हैं, और उसके जरिए पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। एक और कमरे में चली चलते हैं गर्ल्स पीजी के, ताकि यहां पर भी स्थिति देखें। ये देखिए, ये कमरा मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली जो हम जो बाकी कमरे यहाँ पर देख रहे हैं। आपका ये कमरा मुझे लगता है 10x10 के आसपास का है। क्या रेंट आप इसका देते हो? इसका 22,000 रेंट है कम्बाइन।
अच्छा, मतलब 22,000 रुपए इस कमरे का किराया है, जिसमें अगर आप देखें तो किचन के नाम पे, चलिए मैं आपको दिखाऊं, तो ये इनका किचन है जिसमें मुझे लगता है इन्होंने खुद ही ये सेटअप लगा रखा है, जिसमें एक इंडक्शन है और ये थोड़े बहुत मुझे लगता है घर पे माने शायद अचार भेजे हैं या ऐसे कुछ खाने पीने की चीजें बेची हैं, हल्दी नमक जैसी कुछ चीजें हैं जो इन्होंने, जो छात्राएं हैं उन्होंने रख रखी है। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है 22,000 इस कमरे में कि एक छोटा सा वॉशरूम इसमें कंबाइंड है, अटैच है, जिसकी वजह से इनको बाहर नहीं जाना पड़ता। दो वार्डरोब्स हैं, लेकिन अगर पढ़ाई की मैं सिचुएशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि यह एक टेबल है जो इन 22,000 रुपए देकर के दो लड़कियों को शेयर करनी पड़ती है। अब जरा सोचिए, रूम में पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी जाना पड़ता है। आप कमरे में पढ़ पाती हैं? नहीं, रूम के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, चाहे हम यहाँ पे किसी भी टाइप के रूम में रह लें, यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती, तो हम सबको मजबूरी में लाइब्रेरी ज्वाइन करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे फिर लाइब्रेरी तो देख ली आपने, बेसमेंट में है। मतलब आप जो बेसिक नीड्स है उससे तो रोज संघर्ष कर ही रही हैं, अब जो जान अपनी जोखिम में डाल रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर बेसमेंट में लाइब्रेरी है और बेसमेंट में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। वहां पे काफी बार सफोकेशन भी हो जाती है जो अंडरग्राउंड में लाइब्रेरीज वगैरह होती है। तो मतलब अगर हम 22,000 इसका पे कर रहे हैं और बाकी जगहों पर तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है इस रेंट के अंदर, बट ओल्ड राजेंद्र नगर में ORN इज ORN, जैसा कहा है ना कि रेंट लाइक इंग्लैंड एंड एमिनिटीज लाइक सोमालिया, वही हमारा काम हो रखा है। तो मैं खुद भी देख रही हूँ कि बाकी बहुत छोटे छोटे और बहुत सारी बच्चियां जो है बात करने में डर रही हैं, उनको घबराहट इस बात की कि कहीं ओनर पर उन्हें परेशान ना करे, लेकिन कुछ हिम्मती जो लड़कियां हैं वो अपनी बात को सामने रख रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब वो इतने बड़े सपने को आंखों में लेकर के यहाँ पर आई हैं तो कुछ बोलने की हिम्मत रखना भी बहुत जरूरी है। फादर को ऐसे बोलते हुए कि फादर भी ये बोलते हैं कि क्लासेस के पास ही तुम्हारा रूम हो, क्योंकि सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू पेरेंट्स के मन में। आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा की फैमिलीज लाइक थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप होती हैं, तो उनको नहीं चाहिए कि लड़कियां ट्रैवल करें। मेरी कई बार क्लासेस इवनिंग में होती हैं, तो ट्रैवल करना फादर सेफ नहीं समझते दिल्ली जैसे शहर में, तो वो चाहते हैं कि मैं ORN में ही रहूँ। पापा ने बोला चाहे कितना ही महंगा हो पर ORN में ही लेना है रूम, तो मजबूरी। 22,000 का ये 10x10 का कमरा वाकई रहने के लिए और खासतौर पर पढ़ाई के लिए बहुत ही मुश्किल है। और बिजली बिल भी इसमें इंक्लूडेड है या वो अलग से? नहीं, बिजली बिल तो बहुत ज्यादा आता है, मतलब हमारी मेन इशू ये है कि, लेकिन इसमें कूलर नहीं है, एसी नहीं है, हमारा मेन इशू ये रहता है कि अगर ओनर बिल ले रही है तो एटलीस्ट वो हमें कभी दिखा तो सकती है ना, कभी वो शो नहीं करती बिल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो हमें डायरेक्ट भेज देती है कि तुम्हारा इतना बिल आया और पे कर दो, वो एक्स्ट्रा अलग होता है। हाँ, वो आप देख नहीं सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वी कांट सी हाउ मच वी आर पेइंग फॉर द बिल। और उसके अलावा लाइब्रेरी के लिए अलग से पे कर? लाइब्रेरी के लिए अलग से पे, हर एक चीज के लिए अलग से पे होता है, गैस के लिए, खाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब चीज के लिए अलग से पे होता है, वाईफाई एंड ऑल। सोचिए तो इन तंग गलियों में और इन तंग कॉरिडोर से गुजरकर जब आप इतने छोटे कमरे में आते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बच्चे जो कि अपने इस कमरे में जिसमें सिर्फ वो रहने और सोने आते हैं, शायद नहाने आते हैं और कुछ खाने आते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर सकते, इसके लिए भी उनको जाना पड़ता है बाहर लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में जो यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्सों के बेसमेंट में बनी हुई है, जहां निकलने का कोई साधन नहीं, अगर कोई मुश्किल आ जाए, सफोकेशन है और किसी तरह के सुरक्षा के मानकों का वहां बिल्कुल ध्यान रखा नहीं जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जसप्रीत के साथ श्वेता श्रीवास्तव, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत।